हेलो दोस्तों, की हाल चाल है। दोस्तों आपके लिए लेके आ गए हैं संडे स्पेशल। हर रविवार टेस्ट दोस्तों फिजिक्स का होता है, टॉप 10 क्वेश्चन होते हैं आप सभी के लिए। हर रविवार को होता है दोस्तों। अभी तो आपने पिछले रविवारों को टेस्ट नहीं दिया है, हमने आई बटन पर लिंक दे दिया दोस्तों, आप जाके दे सकते हैं। भैया ज़्यादा देर नहीं करते हुए, मेरा नाम राम है, आप देख रहे हैं जय स्टडी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। दोस्तों आपको टेस्ट का रूल तो पता होगा, जो लोग नए उन्हें बता दें। आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद 3 से 4 सेकेंड दिए जाएंगे उत्तर पता करने के लिए। अपना स्कोर नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अब फोकस टेस्ट पर दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। 3 से 4 सेकंड दिए जाते हैं आपको। दोस्तों आपने लगाया ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट है, कैलोरी में। दोस्तों खाद्य ऊर्जा को दोस्तों हम कैलोरी में माप सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेनमार्क को कहा जाता है। 3 से 4 सेकंड दिए जाते हैं आपको। दोस्तों आपने लगाया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट है, पवनों का देश दोस्तों डेनमार्क को कहा जाता है, नोट कर लेना, बेहद इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगला देखते हैं दोस्तों, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 3 से 4 सेकंड दिए जाते हैं। दोस्तों आपने लगाया ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट है, सिलिकॉन। दोस्तों सौर सेल बनाने के लिए दोस्तों सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है, नोट कर लेना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। 3 से 4 सेकंड दिए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपने लगाया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट है, यूरेनियम। दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखते हैं दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। 3 से 4 सेकंड दिए जाते हैं आपको। दोस्तों आपने लगाया ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट है, ऊर्जा के सभी स्रोत में अनंत स्रोत दोस्तों सूर्य को माना जाता है, नोट कर लेना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला देखते हैं दोस्तों, डायनेमोस से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। 3 से 4 सेकंड दिए जाते हैं आपको। दोस्तों आपने लगाया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट है, दिष्ट धारा। दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों डायनामो से दोस्तों दिष्ट धारा प्राप्त होती है, नोट कर लेना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कमेंट में अपना स्कोर जरूर बता के जाएं आप प्लीज़। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 सेकंड दिए जाते हैं आपको। दोस्तों आपने लगाया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट है, फैराडे ने दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी, नोट कर लेना, एग्जाम में इस बार पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। 3 से 4 सेकंड दिए जाते हैं आपको। दोस्तों आपने लगाया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। इंद्रधनुष दोस्तों प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, नोट कर लेना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगला देखते हैं, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण है। 3 से 4 सेकंड दिए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों आपने लगाया ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट है, अपवर्तन के कारण। दोस्तों पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मातृकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। 3 से 4 सेकंड दिए जाते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आपने लगाया ऑप्शन नंबर बी, 1971 में, बिल्कुल राइट है। दोस्तों मातृकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी 1971 में। दोस्तों आपको टॉप 10 क्वेश्चन करा दिए, अब आपको नीचे कमेंट अपना स्कोर बताना है, कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं आप सभी के। आज की वीडियो में दोस्तों लाइक का एम रखते हैं, 60+ लाइक कराने हैं आप सभी को, आप करा देंगे होप दोस्तों। आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, डेली आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, खुश रहें, अपना ख्याल रखें।